इसराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध के बाद अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। ईरान ने अब इसराइल को नई धमकी देते हुए कहा कि अगर इसराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए घुसती है तो फिर महायुद्ध होगा। ईरान ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो इसराइल को उसके ही सैनिकों से कब्रगाह में तब्दील कर देगा। कतर में बैठकर ईरान के विदेश मंत्री हमास के कमांडर से मिले और उसके बाद उन्होंने ये धमकी दी। ईरान ने यह भी कहा कि अगर इसराइल की सेना गाजा में घुसी तो उसे सबसे बड़े भूकंप का सामना करना पड़ेगा। इसराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए हैं ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की और अब इजरायली सेना गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन यानी ज़मीनी हमले करने के लिए तैयार है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हज़ारों सैनिक गाजा में ज़मीनी हमले के लिए तैयार हैं और इजरायली सेना के सबसे भरोसेमंद कई सौ मरकवा टैंक गाजा की तरफ से तने हुए हैं। बस एक बटन दबेगा और गाजा पर गोले बरसने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसराइल के इस मिलिट्री ऑपरेशन के आगे आ गई है ईरान की सबसे बड़ी धमकी और ये धमकी है महायुद्ध की। ईरान ने बिना लाग लपेट के कह दिया है कि अगर इसराइल ने गाजा में घुसपैठ की तो इसराइल को उसके ही सैनिकों के कब्रिस्तान में बदल देंगे। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इसराइली सेना गाजा में घुसी तो इसराइल को सबसे बड़े भूकंप का सामना करना पड़ेगा और इसराइली सेना गाजा में अगर घुसती है तो खाड़ी देशों से युद्ध के मोर्चे खुल जाएंगे और पूरा वॉर फ्रंट तैयार हो जाएगा मिडिल ईस्ट में। वही ईरान की धमकी पर नेतन्याहू ने कहा कि हमारे पास ईरान और हिजबुल्ला के लिए एक संदेश है, उत्तरी क्षेत्र में हमारा इम्तिहान ना ले, अपनी पिछली गलती मत दोहराओ क्योंकि जो कीमत तुम चुकाओगे वो बहुत बुरी होगी। यानी इसराइल और हमास के इस युद्ध की आंच अब ईरान समेत कई अरब देशों तक पहुंच गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 15 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से मुलाकात उन्होंने की, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि इजरायली सेना गाजा पर मिलिट्री ऑपरेशन कब शुरू करेगी जबकि उसकी तैयारी पूरी है। वहीं क्या बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान की धमकी असर कर रही है? क्या वो ईरान की धमकी के बारे में सोच रहे हैं? वैसे हम आपको ये भी बता दें कि खुद इसराइल डिफेंस फोर्स का ये दावा है कि गाजा के अंदर हमास ने 199 इसराइलियों को बंधक बना रखा है, जबकि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास के हमलों में इसराइल के 1400 लोगों की जान जा चुकी है। इसराइल ने पिछले 10 दिनों में युद्ध के दौरान हमास के 6 कमांडर्स और गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक इस युद्ध में गाजा के अंदर 2670 लोग मारे गए हैं, उनमें लगभग 1/4 तो बच्चे हैं। गाजा में 10 दिन के भीतर इसराइल 5000 से ज़्यादा बम गिरा चुका है। इसराइल ने गाजा के उत्तरी हिस्से में बसे लोगों को 5 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, कहा कि आप ये इलाका छोड़ दें, दक्षिणी गाजा की तरफ रुख कर लें। ईरान लगातार अरब देशों के साथ बैठकें कर रहा है तो हमास की ताकत बढ़ाने के लिए हिजबुल्ला को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। इसराइल की माने तो ईरान ने सीरिया में अपने हथियार भेजना शुरू कर दिया है। यानी ईरान इसराइल से सटे देशों से ना सिर्फ मिल रहा है बल्कि उन्हें इसराइल के खिलाफ एकजुट भी कर रहा है। इस तरह से अब ईरान खुलकर गाजा पट्टी वालों के समर्थन में उतर आया है और इसराइल को महायुद्ध की धमकी भी उसने दे डाली है। अगर इस युद्ध में ईरान उतर जाता है तो इसराइल और ईरान में किसकी सैन्य ताकत है उस ज़्यादा है वो भी आपको बताते चलें। ईरान की आबादी की बात करें तो वो लगभग 8.67 करोड़ है और इसराइल की आबादी 89.14 लाख है। ईरान के पास जहां 4.85 करोड़ मैन पावर है तो इसराइल के पास 37,44,000 मैन पावर है। वहीं ईरान 4 करोड़ लोगों को तुरंत सेना में भर्ती कर सकता है जबकि इसराइल के पास 31,11,000 लोग ही इसके लायक हैं। ईरान की सेना में 5,75,000 एक्टिव पर्सनल हैं जबकि इसराइल के पास 1,73,000 ही एक्टिव पर्सनल हैं। ईरान के पास जहां 90,000 पैरामिलिट्री जवान हैं तो इसराइल के पास सिर्फ 8,000 पैरामिलिट्री जवान हैं। इसराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट्स हैं और ईरान के पास 541 एयरक्राफ्ट्स हैं। इसराइल के पास 241
फाइटर जेट्स हैं, तो वहीं ईरान के पास मात्र 196 फाइटर जेट्स हैं। ईरान के पास 69,685 बख्तरबंद वाहन हैं, तो इसराइल के पास 56,290 आर्म्ड व्हीकल हैं। तो ये दोनों की युद्धक शक्ति है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक तरफ हमास से इसराइल एक इतने बड़े युद्ध को लड़ रहा है, और अगर इसमें ईरान भी कूद जाता है तो क्या इसराइल जिस तरीके से पूरी तरीके से युद्ध को अपने कंट्रोल में बता रहा है, क्या वो स्थिति संभव हो पाएगी? हालांकि अमेरिका का साथ उसे मिला हुआ है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक वॉर फ्रंट में तब्दील हो जाएगा, ये अहम बात है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।